हेलो फ्रेंड्स, आज आप देखिएगा इंटरमीडिएट यानी ट्वेल्थ क्लास 2018 में हुए एग्ज़ाम का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, तो इस टोटल 100 मार्क्स को होते हैं, लेकिन यहाँ एग्ज़ाम होंगे आपके 70 मार्क्स के और 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन पूछ रहा है 53। जिस समय सीमा आपको मिलेगा या एग्ज़ाम मन टाइम रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। तो चलिए एक बार देख लीजिए फर्स्ट पेज, जो आपके एग्ज़ाम में जो बच्चे 2019 में एग्ज़ाम देने वाले हैं इंटरमीडिएट का, वही क्वेश्चन को देख सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं कि उन्हें किस तरह के क्वेश्चन पेपर आएंगे। ऐसे इस एग्ज़ाम में दो सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे आप देख रहे हैं टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है, 35, जो ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। आप देखते जाइए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 7, क्वेश्चन नंबर 8, नाइन को एक साथ कवर कर लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, ये जो टिक लगाया हुआ है क्वेश्चन पे, सही है गलत मुझे नहीं पता, आप खुद से अपने टीचर के सहयोग से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस तरह आपको देख के क्वेश्चन देख के, हमें क्वेश्चन डालने का मुख्य पर्पस यही है कि कम से कम देख कर अनुमान तो लगा सकते हैं ना कि आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, मैं जल्द ही आर्ट्स के क्वेश्चन पेपर भी लेकर आऊँगी, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्वेश्चन तो बढ़िया बढ़िया आया है, बस आप सॉल्व कीजिए। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, 26 27 28 29 30 31 32 33 क्वेश्चन नंबर 34 35। अब देख लीजिए सेक्शन बी आ गया, सेक्शन बी में 1 से 15 तक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से आपको 10 ही क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। यदि आप बोलेंगे या आपको सीबीएसई
का क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप जैसा कहोगे वैसा होगा। अब देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 5 मार्क्स के होंगे। देखिए सब में एक चॉइस लगाया हुआ है, जिसमें से जो भी आए आप उसको एक को सॉल्व करना है। 18 में भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।